सो यार वंस अगेन वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो गाइस। इंस्टाग्राम के इस पेज ने जो है ना इस टाइप की वीडियोस अपलोड करके 400K से अबव फॉलोअर गेन किए हैं और इस पेज ने जो है ना जस्ट 42 वीडियोस अपलोड करके जो है ना 79K से अबव फॉलोअर गेन कर लिए हैं। इन दोनों अकाउंट्स पर इस टाइप की वीडियोस जो है ना काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं, इन पर मिलियंस में व्यूज़ आए हुए हैं। तो इस टाइप की वीडियोस आप लोग क्रिएट करके जो है ना टिकटॉक क्रिएटिविटी प्रोग्राम से मंथली अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। इस टाइप की वायरल वीडियोस क्रिएट करने के लिए आज हम 3 बेस्ट फ्री AI टूल्स का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ChatGPT का। तो ChatGPT से जो है ना हम प्रॉम्प्ट्स को क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने ChatGPT को ओपन करना है और यहाँ पर आप लोगों ने एक प्रॉम्प्ट टाइप करना है जो अभी मैं करने लगा हूँ। इस प्रॉम्प्ट को आप लोगों ने सेंड करना है तो यहाँ पर आप लोगों को एक रिप्लाई मिलेगा। अगर आप इसको रीड करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप लोगों ने यहाँ पर मैसेज बॉक्स में ये वाली डिटेल जो है ना पेस्ट करनी है और इसको सेंड कर देना है। सेंड करोगे तो यहाँ पर 2 प्रॉम्प्ट्स आप लोगों को क्रिएट होकर मिल जाएंगे। तो अगर आपको मज़ीद प्रॉम्प्ट चाहिए तो आप लोगों ने यहाँ पर टाइप करना है अगेन मेक ए ग्रुप और इसको सेंड करना है। तो आपके सामने 2 मोर प्रॉम्प्ट्स यहाँ पर क्रिएट होकर आ जाएंगे। तो इन प्रॉम्प्ट्स को आप लोगों ने जो है ना यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके जो है ना कॉपी कर लेना है और इसी तरह से बाकी प्रॉम्प्ट्स को भी आपने क्रिएट करना है। प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करने के बाद अब आप लोगों ने जो है ना इमेजेस को क्रिएट करने के लिए गूगल को ओपन करना है और यहाँ पर आप लोगों ने सर्च करना है CR.AI। ये वेबसाइट आप लोगों को टॉप पे इजीली मिल जाएगी। आप लोगों ने इस वेबसाइट को जो है ना ओपन कर लेना है। ये आप लोग लिंक देख लो, ठीक है, टॉप वाला। तो इसका होम पेज इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पर आपने साइन अप वगैरह करने के बाद जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपके सामने यहाँ पर प्रॉम्प्ट बॉक्स वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपना प्रॉम्प्ट जो है ना पेस्ट कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर जो है ना कलर वगैरह जो है ना चेंज कर लेना है, ठीक है। ड्रेस का कलर आप लोगों ने अपनी कंट्री के हिसाब से यहाँ पर रख लेना है। उसके बाद बैकग्राउंड वगैरह भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने इमेज साइज जो है 9x16 सेलेक्ट करना है और यहाँ पर नंबर ऑफ़ इमेजेस को सिलेक्ट करने के बाद जनरेट पे क्लिक करना है। तो जनरेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से जो है ना आप लोगों की इमेजेस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर आप लोगों ने पैकअप पे क्लिक करना है तो यहाँ पर आप लोगों को प्रोग्रेस शो हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत फास्ट इमेजेस जनरेट होकर आ जाती हैं। तो ये देख सकते हो गाइस कितनी ज़बरदस्त इमेजेस यहाँ पर हमारी जनरेट होकर आ गई हैं। तो इनमें से जो भी इमेज आप लोगों को परफेक्ट लगे आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है ना ये सिंगल होकर आ जाएगी। यहाँ पर आप लोगों ने डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस इमेज को डाउनलोड करना है। तो इमेजेस को डाउनलोड करने के बाद अब आप लोगों ने जो है ना इनको वीडियोस में कन्वर्ट करने के लिए Vidoo.Studio वेबसाइट को ओपन करना है और यहाँ पर आप लोगों ने जो है ना साइन अप वगैरह करके जो है ना क्रिएट वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ पर आप लोगों ने गैलरी वाले आइकन पर क्लिक करना है। आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में से आप लोगों ने अपनी इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो इमेज अपलोड होकर यहाँ पर आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। तो जब इमेज यहाँ पर शो हो जाए तो यहाँ पर इमेज के नीचे की साइड की तरफ आप लोगों ने ये वाला प्रॉम्प्ट टाइप करना है जो अभी मैं करने लगा हूँ, रियलिस्टिक बॉडी मूवमेंट एंड कैमरा स्टैटिक। ये टाइप करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर नीचे क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोगों की वीडियो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप चाहो तो विदाउट प्रॉम्प्ट भी यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो तो आपकी वीडियो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देख सकते हो गाइस कितनी ज़बरदस्त हमारी वीडियो यहाँ पर क्रिएट होकर आ गई है। तो इसको डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को मैं फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। तो गाइस ये देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त हमारी वीडियो यहाँ पर क्रिएट होकर आ गई है। इसी तरह से आप लोगों ने बाकी वीडियो क्लिप्स को जो है ना क्रिएट कर लेना है। इस तरह से आप लोगों ने फाइनल वीडियो क्रिएट करने के लिए जो है ना किसी भी वीडियो एडिटिंग में जो है ना सभी वीडियो क्लिप्स को कंबाइन करके टेक्स्ट वगैरह ऐड कर लेने हैं और अपनी फाइनल वीडियो क्रिएट कर लेनी है। Thanks for watching.